हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बालू स्याही की रेसिपी, जो बहुत ही ज्यादा लोगों की फेवरेट होती है, लेकिन घर में बनाते हैं तो बनती नहीं है। तो बिल्कुल हलवाई जैसी आज घर में बनाएंगे। कुछ टिप और ट्रिक दूंगी, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो बालू स्याही की रेसिपी को पूरा देखना, चाशनी भी कैसे बनाती है वो भी देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है चाशनी का रोल। तो सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे, तो बिना टाइम को बर्बाद किए चलते हैं गैस की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलेगी सबसे पहले। तो मैंने लिया है 100 ग्राम शुगर यानी चीनी, कुछ लोग इसे शक्कर भी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड, आगे गैस की तरफ और एक कढ़ाई रखी। कढ़ाई जो हमारी है हैवी वेट है, आप कोई भी बर्तन लीजिए वो भारी होना चाहिए। और बर्तन को पहले अच्छे से हीट कर लेंगे, फिर अपने हम 100 ग्राम शुगर डालेंगे। और मेरी थोड़ी शुगर मोटी वाली है तो मैं 100 ग्राम डाली, अगर आपकी महीन वाली है तो आप 150 ग्राम भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो मीठी नहीं होती है। और अब हम जितना हमने शुगर डाला था उसी से नाप के हमें पानी डालना है। ये बिल्कुल सही चाशनी की नाप है, तो इस तरह से हम डाल देंगे। और अब हम इसे हाई फ्लेम पर अच्छे से पकने देंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से जब बॉईल आने लगेगा तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर, जो हमारा ऑरेंज वाला है, जिससे बालू स्याही का जो कलर है बहुत ही अच्छा आएगा। और इसको डालने के बाद अब हम चाशनी को मिक्स करेंगे और अब इसे कंटिन्यू अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो हमारी चाशनी है उसको बनने के लिए कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो अब हम पहले अच्छे से इसको बॉईल आने का वेट करेंगे, फिर इसके बाद चलाएंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से जब बॉईल आने लगेगा तो हम इसमें डालेंगे केवड़ा। तो फ्रेंड, अगर आपके पास केवड़ा ना हो तो आप रोज वाटर डाल सकते हैं, अगर रोज वाटर ना हो तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, क्योंकि इलायची पाउडर हर किचन में अवेलेबल होता है। लेकिन मैंने केवड़ा डाला है, बिल्कुल हलवाई जैसा फ्लेवर आएगा। और अब इसे हम अच्छे से पकने देंगे। और किस स्टेज पर पकने देना है 3 से 4 मिनट बाद हम आपको दिखाएंगे। तो 3 से 4 मिनट हम चाशनी को अच्छे से पकने देंगे और फिर हम आपको चेक करेंगे। तो फ्रेंड, बालू स्याही के लिए चाशनी की ना एक तार की जरूरत होती है ना दो तार की, बस हल्की सी गाढ़ी होनी चाहिए चाशनी आपकी, बहुत ज्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। तो 3 से 4 मिनट बाद आप इस तरह से चम्मच पर छुआ कर अपनी उंगली में देखें तो हल्की सी चिपचिपाहट, बिल्कुल नाम मात्र की चिपचिपाहट महसूस हो, तब तक आपको पकाना है। तो अभी चिपचिपाहट नहीं महसूस हो रही तो हम थोड़ा सा इसे और पकाएंगे 1 मिनट। तो फ्रेंड, आप चेक करते हैं तो इस तरह से देखिए, अब हल्की सी चिपचिपाहट महसूस हो रही है, उंगलियां चिपक रही है इस तरह से। तो चाशनी हमारी रेडी हो गई है। तो फ्रेंड, इस तरह से चाशनी बनाने में हमें 6 मिनट लगे हैं और चाशनी हमारी हो गई है रेडी। तो अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि इतनी गर्म हमें यूज नहीं करनी, हल्की सी गुनगुनी यूज करनी है। तो इसे साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं आटा लगाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना, जैसे जैसे मैं आटा लगाती हूँ उसी तरीके से आटा लगाएंगे तो आपकी बालू स्याही बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। तो फ्रेंड, आइए आटा लगाते हैं। तो हमने लिया है एक बड़े साइज का बर्तन जिसमें आटा लगाने में आसानी हो। और अब इसमें हम डालेंगे 250 ग्राम अपना मैदा जो हमने छान के लिया है। तो छान के ही लेना है आपको, बिना छाने मैदा नहीं लेना है, नहीं तो आपका अच्छे से लेयर नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हमने ले लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। तो देख लीजिए, हमारा जो घी है ये 50 ग्राम घी है और ये जमा हुआ घी है, और जमे हुए घी से ही बनते हैं बालू स्याही। तो इस तरह से हम डाल देंगे सारा का सारा घी। तो इस तरह से देखिए, मैंने 50 ग्राम जमा हुआ देसी घी डाला है। अगर आपके पास घी ना हो तो आप इसमें डालडा डाल सकते हैं, लेकिन रिफाइंड मत डालिएगा। अब हमें 1 चम्मच इसमें डालना है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर डालना है, जिससे लेयर अच्छी बनेगी। तो ये छोटा वाला चम्मच जो चौथाई चम्मच होता है उससे हम डालेंगे। और अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे फूड कलर, तो ताकि हमारी बालू स्याही अच्छे से बने। तो थोड़ा सा बिल्कुल नाम मात्र का डालेंगे और इन सबको पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बिना पानी डाले पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और घी को अच्छे से मैदे के अंदर मिला लेंगे। तो घी आपका ठंडा नहीं होना चाहिए, बाहर ही घी रखा होना चाहिए। अगर आपका घी फ्रिज में रखा है तो हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, लेकिन रूम टेम्परेचर का घी आपको इस्तेमाल करना है और घी के बिना नहीं बनाना है। अगर आप इसे रिफाइंड से बनाएंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, मैं पहले बता दे रही हूँ। अब इसे हम इस तरह से मसल मसल कर इसका एकदम बिल्कुल अच्छे से आटे में मिला लेंगे, यानी मैदे में। तो इस तरह से देखेंगे तो बंद रहा है तो अच्छे से पड़ गई है, यानी इसमें ओवन। और अब हम इसे मिला मिला कर इस तरह से हाथ से मसलेंगे। तो इस तरह से हो गया है रेडी। अब हमें लेना है पानी और इसका हम आटा लगाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके, ज्यादा पानी नहीं, और इसको गूंदना नहीं है। तो आटे को बिल्कुल हल्के हाथों से मोड़ना है, गूंदना नहीं है। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, अब थोड़ा पानी और ऐड करेंगे और हल्के हल्के से बिना प्रेशर दिए हम इसे मोड़ लेंगे। बस मोड़ना है, गूंदना नहीं है। तो फ्रेंड, इस तरह से मैंने मोड़ लिया है
और आटे में हमने बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डाला था। और इस तरह से देखिए हमारा कितना कम पानी लगा है, एक गिलास पानी आता है इसमें और उसमें भी हमने तिहाई हिस्सा पानी बच गया है, एक हिस्सा ही हमने इस्तेमाल किया है। तो बिल्कुल आधा छोटा कप पानी लगता है इसे गूंदने में। और अब इसे हम रेस्ट देंगे 10 मिनट का, 10 मिनट से कम रेस्ट नहीं देना है आपको। तो 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो चलिए इसे कवर करके रख देते हैं। तो फ्रेंड 10 मिनट हो चुके हैं, आइए अपने आटे को हम चेक करते हैं। और ये देखिए मैं आपको अभी करीब से दिखाती हूँ आटा उठा के कि इसमें कितनी अच्छी लेयर इस तरह से देखिए पड़ना शुरू हो चुकी है। तो ये अच्छे आटे की निशानी होती है कि आप इसको जितना खोलेंगे वो इतना अच्छे से लच्छा देखिए पूरा अंदर तक पड़ता जा रहा है। तो अब हम इसकी एयर को हटाएंगे और इसको हल्का सा इस तरह से प्रेस करेंगे क्योंकि इसमें जो एयर हो गई उसको हमें रिलीज करना है। तो यहाँ पे हमें अपने हाथों को इस तरह से आगे से पीछे करना है और इस तरह से इसकी एयर को निकालना है। तो ज्यादा ये नहीं करना है, बस एक दो बार करना है बस। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम 3-4 हिस्से में इस तरह से तोड़ेंगे इस तरह से, और फिर हम इसको इकट्ठा करेंगे, फिर हमें तोड़ना है। और ऐसा हम कम से कम 10 से 12 बार करेंगे ताकि इसमें काफी अच्छे से लेयर पड़ जाए। देखिए इस तरह से आपको इसको, तो ये देखिए हो गया है। और इसको अब हम एक बार लास्ट बार जोड़ेंगे और अब हम इस तरह से तोड़कर इसको जोड़ते जाएंगे। तो इस तरह से हो चुका है और अब हमें इसका एक अमाउंट लेना है इस तरह से, और जितनी बड़ी आप बालू चाही रखें उतना बड़ा आपको लेना है। और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको हमें गोल करना है क्योंकि हमें इसकी लच्छे को नहीं हटाना है इस तरह से। और बिल्कुल हाथों को हल्के हल्के से बीच के बीच में प्रेस करना है और इस तरह से हाथों से कर लेना है दोनों साइड से। तो आप कोई भी फिंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए हमारी परफेक्ट बालू शाही हो गई है। तो इस तरह से हम रख लेंगे और इस तरह से हमें लेना है, बिल्कुल धीमे धीमे हाथों से इसको हमें इस तरह से करना है। और हम बहुत ज्यादा बड़ी बालू शाही नहीं बना रहे, मीडियम साइज की बालू शाही बनाएंगे। इसको फ्राई होने में कम टाइम लगता है। और अब इस तरह से करने के बाद आपको इसके अंदर फिंगर को करना है। आप चाहे तो किसी फोक से भी कर सकते हैं या फिर स्केल से भी, यानी अगर आपके पास हो तो कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम अच्छे से कर लेंगे और देखिए बालू शाही में अभी से कितनी लेयर नजर आ रही है। तो इस तरह से हम सारी बनाकर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से देखिए इसमें कितनी लेयर अभी से ही पड़ना शुरू हो चुकी है। तो अब चलते हैं इसे बनाते हैं, गैस की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड इसे फ्राई करते समय आपको ख्याल ये रखना है कि आपकी जो कढ़ाई होनी चाहिए वो भारी होनी चाहिए, और तेल जब अच्छे से एक बार गर्म हो जाएगा तब आपको गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है। और लो फ्लेम पर ही हम बालू स्याही को फ्राई करेंगे। अगर आपका फ्लेम तेज होगा तो ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं होंगी और खस्ता तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो इस तरह से देखिए हमने तेल को रख दिया था, तेल अच्छे से हुआ है या नहीं इस तरह से देखिए। अगर हथेलियों पे आपके आंच लग रही यानी भाप लग रही तो समझ जाइए आपका तेल हो गया है। और अब हम इसमें बिल्कुल आराम से अपनी बालू स्याही को डाल देंगे और डालने के बाद बिल्कुल भी टच नहीं करना है और इसे धीमी धीमी आंच पर हमें पकने देना है। तो इस तरह से देखिए मैं डाल देती हूँ। तो इस तरह से हम अपनी सारी बालू स्याही को इसके अंदर डाल देंगे और बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। तो फ्रेंड ये लास्ट वाली भी गई और 3 से 4 मिनट बाद ये अपने आप ऊपर आने लगेंगी, तब इसे हम टर्न करेंगे। तो फ्रेंड देखिए 3 से 4 मिनट बाद बालू स्याही अपने आप ऊपर आ गई है और इस तरह से अब हम इसे नाइफ की सहायता से टर्न कर देंगे। तो देखिए इसमें लेयर कितनी खस्ता अभी से आपको दिखाई दे रही होगी। तो इस तरह से बहुत ही खस्ता हमारी बालू स्याही बनकर रेडी हो रही है। तो अब इसे हम बिल्कुल आसानी से हल्के से पलट लेंगे, टर्न कर लेंगे इस तरह से। और इस तरह से टर्न करने के बाद अब इसे दूसरे साइड से भी हम 3 से 4 मिनट बनने देंगे। तो इसे बनने में मुश्किल से 7 से 8 मिनट लगते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से बनती है, एकदम खस्ती और करारी अंदर से। तो फ्रेंड देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हमारी बालू स्याही कितनी अच्छे से डन हो गई है। और अब इसे हम थोड़ा सा साइड करेंगे और इस तरह से देख सकते हैं कितने अच्छे से इसके अंदर लेयर पड़ी है और कितनी खस्ता अभी से नजर आ रही होगी आप लोगों को। और इस तरह से हम थोड़ा सा साइड में रखेंगे और अपनी बालू स्याही को हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। तो इस तरह से मैं सारी बालू स्याही को निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। चलिए निकाल लेते हैं।
तो फ्रेंड इस तरह से देखिए मैंने निकाल लिया है और देखिए कितना करारा है और कितने लच्छे अभी से नजर आ रहे होंगे आप लोग। तो इस तरह से देखिए मेरी अच्छे से वालू स्याही फ्राई हो गई है और बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई किया था तो ये रिजल्ट आया है। आप भी अगर लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो देखिए कितनी खस्ता है आपको नजर आ रही होगी। तो हमने चाशनी को रखा था गर्म होने के लिए, तो हल्का सा गुनगुना कर लेंगे तब इसके अंदर डीप करेंगे। तो एक बर्तन रख लेते हैं, तो इसके अंदर देखिए हमने चाशनी को रखा है और चाशनी हमने हल्की सी गर्म कर ली है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करनी, हल्की सी गुनगुनी करनी है। तो इस तरह से चाशनी का टेक्सचर देख लीजिए, ना बहुत ज्यादा पतली हमारी चाशनी ना बहुत ज्यादा गाढ़ी होती है बालू शाही के लिए। तो अब इसके अंदर अपनी बालू शाही को डीप करेंगे, जो हल्की सी गर्म गर्म सी है उसको हमें डीप कर लेना है, ठंडा नहीं करना है। तो चलिए डीप कर लेते हैं। तो इस तरह से हम रखेंगे, तो इस तरह से हम इसको हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे और फिर इसके बाद टर्न कर देंगे इस तरह से, देख लीजिए। और थोड़ी देर लमसम 2 से 3 मिनट चाशनी में छोड़ना है बस, ज्यादा नहीं छोड़ना है क्योंकि हमारी बालू स्याही गरम गरम है और ये अच्छे से चाशनी को पी लेगी। तो हल्का सा गुनगुना करने के बाद हम इसे 2 मिनट बाद निकालेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम फटाफट अपनी बालू स्याही को निकाल लेंगे और इस तरह से निकाल कर रख लेंगे। तो देखिए कितनी ज्यादा जूसी है, सारा जूस इसने अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है और कितनी अच्छी हमारी बालू स्याही बनकर रेडी हो चुकी है। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए हमारी बालू स्याही हमने निकाल ली है, कितनी खूबसूरत लग रही है। तो अब इसे हम थोड़े से चांदी के वर्क से सजाएंगे, तो इस तरह से चांदी का वर्क ले लेंगे और इसको हम थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह से लगा लेंगे, ज्यादा नहीं लगाएंगे और हल्का हल्का सा इस तरह से, देखिए जिससे यह बिल्कुल मार्केट जैसी लगेगी। और ये मैं हाथों से कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसे डायरेक्ट ही कर ले, लेकिन हाथों से ज्यादा ही अच्छी लगेगी। और इस तरह से हमने लगा लिया है और यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम को कोट कर रखा है और इसको हम डालेंगे इसके ऊपर। तो इस तरह से हम बादाम से इसको गार्निश करेंगे। और ये देखिए हमारी, तो फ्रेंड बनकर रेडी है हमारी ये अमेजिंग सी बालू स्याही जो बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा इस दिवाली और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसी लगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनी है हलवाई जैसी और कितनी ज्यादा जूसी है, अभी आपको हम दिखाते हैं। तो फ्रेंड आइए एक बालू स्याही आपको तोड़कर दिखाते हैं कितनी ज्यादा जूसी और कितनी ज्यादा सॉफ्ट बनी है, देखिए कितनी अच्छे से बनी है। तो इस तरह से बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखिए अंदर तो चाशनी गई है, ऊपर से बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और करारी है, अंदर से सॉफ्ट है, जूसी है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलेगी सबसे पहले। और इस बालू स्याही को इस दिवाली जरूर बनाइए और सभी की तारीफ खाइए, देखिए कितनी लच्छेदार बनी है। बाय एंड टेक केयर।